स्ट्रेस, तनाव या चिंता, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैं हूँ, परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत चिंता है, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्ट्रेस आना ये होता है सिचुएशन से, परिस्थिति कैसी भी हो सकती है और वो परिस्थिति को हम कैसा देखते हैं उसके ऊपर वो तनाव है। एक व्यक्ति को 200 रुपए उसने लॉस कर लिया, गुम गए या मनी पर्स में से गिर गए, तो उसको शायद कुछ लगेगा नहीं, 200 रुपए गुम गए, ठीक है, हरकत नहीं। और वही दूसरा आदमी जो है, जो 200 रुपए कमाता है पूरे दिन में, उसको कमाए हुए 200 रुपए गुम गए या पर्स में गुम गई उसकी, तो फिर उसको बहुत स्ट्रेस तनाव आ जाएगा। तो वो रिलेटिव है, रिलेटिव इन द सेंस कि रिलेटिवली हम उसको देखते हैं। अब इसमें क्या लक्षण है, कैसा समझना कि कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है क्या, तो एक तो उसकी नींद खराब हो जाती है, नींद एक तो आती नहीं है जल्दी या डिस्टर्ब रहती है या सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी। नंबर दो, उसका काम उसको बहुत बड़ा लगता है, मतलब काम छोटा लगता है, उसको बहुत ऐसा लगता है कि बाप रे इतना बड़ा काम है कैसे करूँ मैं, याद उसको रहती नहीं है, भुलक्कड़पना आता है और कोई भी काम के ऊपर फोकस नहीं करता, लक्ष्य एकाग्र नहीं कर सकता, केंद्रित नहीं कर सकता है, उसको मन में वही विचार आएंगे और फिर अभी क्या चल रहा है उसके बारे में उसको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है खान पान में, उसकी एक तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाएगी या भूख ही निकल जाएगी और फिर वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तनाव की वजह से उसको चिंता या उदासीनता आएगी, एंग्जाइटी, और वो बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, मतलब थोड़ी बात के ऊपर एकदम चिड़ना, गुस्सा करना, लगता है कि क्यों इतना टेंशन में क्या है, आदमी बहुत चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है और वो बस थोड़ा काम हो गया तो थक जाता है, लगता है बाप रे बहुत ज़्यादा काम हो गया, बिल्कुल थक गया, अभी मुझे कुछ मत बोलो, मतलब ऐसा लगता है उसको। तो ये स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से फिर आपको डिप्रेशन हो सकता है, चिंता एंग्जाइटी हो सकती है। समझो यदि डिप्रेशन होता है तो डेफिनेटली उसका इलाज करना चाहिए डिप्रेशन का भी स्ट्रेस के साथ साथ। तो स्ट्रेस कम कैसे करना है, तो एक तो प्लान करो, प्लानिंग, कि पूरा दिन भर का काम आपका जो है वो लिखो, कब कौन सा काम करने वाले वो लिखो, यानी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जो है कि बहुत बड़ा काम है वो नहीं होगा, जो भी काम है लिखो, काम है लिखो, कब करने वाले, कितने बजे करने वाले, मतलब नाम, काम का नाम, कब करेंगे, कौन करेगा, कितने बजे करेंगे, ऐसा। फिर नेक्स्ट, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो लिखो, ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ही, ये प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन ही है। और जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी एक्शन लेना चालू करना है, ये सॉल्यूशन है तो एक्शन लेना चालू करो, उसकी टाइम फ्रेम बनाओ। फिर नेक्स्ट, आपका जो तनाव है उसकी बातचीत दोस्तों से करो, एकदम नज़दीक के जो दोस्त है, रिलेटिव है, उनके साथ में बातचीत करो, मेरे को ये तनाव है, टेंशन है, तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, मैंने क्या करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा उनके साथ करो। फिर नेक्स्ट, आपको हॉबीज कौन सी है, कौन सी हॉबीज आपको है, तो उसमें जरा अपना मन बहलाओ, किसको संगीत की हॉबी है, किसको पेंटिंग की है, ड्राइंग की है, तो उसमें फिर आप जब उसमें टाइम अपना देते हैं ना, तो उस समय स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। नींद अच्छी लो, नींद 7 से 9 घंटे दी आप नींद लेते हैं तो नेचुरल तनाव कम होने में फायदा होगा। यदि नींद आती नहीं है तनाव की वजह से और एकदम ही मतलब कम नींद होती है, 2-3 घंटा नींद होती है, तो आपको डेफिनेटली दवाई लेनी पड़ेगी नींद के लिए। फिर खान पान जो है वो एकदम सिंपल रखो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड आइटम्स, तले हुए आइटम्स, मीठा, ये टाल देना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी पर डे, और वो भी बाकी ऋतु में पीना चाहिए, धूप काले में मतलब समर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम और लोगों के साथ में शेयरिंग, जो भी आपको तकलीफ है उसकी शेयरिंग, ये सब करेंगे तो आपका तनाव बहुत कम हो जाएगा और आप जो भी तनाव उसको फेस कर सकेंगे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये उसके इफेक्ट्स है, ये समझो होते तो उसका भी इलाज आपको करना होगा। वीडियो आपको चला, जुड़े लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं,
या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।